blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold, behold, frostbite, they feeling like a... हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर व्लॉग। गाइस, आप सबकी एक इच्छा होती है कि हमें हमारे ऐसे दोस्तों के साथ में पार्टी करनी है, फ्रेंड्स के साथ करनी है, फैमिली के साथ में, एक पर्टिकुलर फार्म हाउस हो हमारे पास में जहां सभी फैसिलिटीज़ हमको एक ही जगह पे मिल जाए, जहां हम इंजॉय करें और हमें कोई रोक टोक ना हो और फुल पूल भी मिले, सारी चीज़ें, मतलब जो भी कुछ हो सकता है ना एडिशनल, वो सारी फैसिलिटीज़ एक ही जगह पर मिल जाए। तो आज मैं आपको लेकर के आ गया हूँ, ये पीछे देख सकते हो विला, इसका नाम है मिराया विला और इसके अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये किस रेट पे आपको मिलने वाला है और क्या इसकी लोकेशन रहने वाली है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अभी वीडियो को लाइक करो और चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कर लो। तो फटाफट से चलते हैं और आपको दिखाते हैं प्रॉपर्टी। चलो गाइस, ये खूबसूरत प्रॉपर्टी में मैं अंदर आ चुका हूँ, देख सकते हो एक मस्त सा हॉल आपको मिलेगा। यहाँ मस्त काउच लगा हुआ है, सामने डाइनिंग टेबल रखी हुई है, आप हमारे को देख सकते हो उसके अंदर कैमरा में, देखिए सामने स्क्रीन मिरर भी लगा हुआ है मस्त। और ये पीछे देख लीजिए 55 इंचेस का टीवी है जो कि रोटेट है और इसमें काउच की और फैसिलिटी है जो कि मेरे पीछे की साइड में। इधर आओ, फटाफट से आओ दोस्तों, देखो ये आ गए हम, ये देखो यहाँ पर मस्त आप आ रहे हो, यहाँ पे अपना डिनर लो, जो भी खाने पीने का सामान है मस्त इंजॉय करो। मस्त सा इसका इंटीरियर है, सामने ऊपर दिखाना एक बार ये सारी फैसिलिटीज़ क्या क्या है, मतलब बैठ के मज़ा आने वाला है, मतलब ऐसे कुछ नहीं है। टीवी देखो, ये देखो रोटेशन वाला, ये देखिए भाई साहब टीवी इधर से भी देख सकते हो और टीवी उधर से भी देख सकते हो। आओ फटाफट से अब आपको दिखाते हैं यहाँ का नेक्स्ट, ये किचन एरिया आ गया। यहाँ पर आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं, इंडक्शन रखा हुआ है, आपको ये बर्तन मिल जाएंगे आपको खाना वाना बनाना है तो, धोने के लिए आरओ लगा हुआ है मस्त इस नल के अंदर, ये देखिए आरओ का पानी आता है सीधे, ये चिमनी लगी हुई है, यहाँ पर गैस स्टोव है, मतलब सारी फैसिलिटीज़ है और ये मस्त फ्रिज है। और आपको ये होगा मन में कि यार आइस की ज़रूरत पड़ेगी ठंडक के लिए, तो भाई साहब यहाँ आइस क्यूब ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी क्योंकि फ्रिज में है दम, इसीलिए हम आए यहाँ पर आज सिर्फ आपके लिए। आओ अब मैं आपको दिखाता हूँ मस्त रूम, दिखाता हूँ फर्स्ट रूम में लेकर के चलूँगा। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको भाई साहब, यहाँ पर आपको मिलने वाला है स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल का भी नज़ारा दिखाएंगे एक बार। ये देखो ये हम फर्स्ट रूम में आ गए और यहाँ पर आपको एसी मिल जाएंगे, एयर कंडीशन लगे हुए हैं, हॉल में भी लगा हुआ था, रूम में भी लगे हुए हैं जो कि आप देख सकते हो, मस्त फैन है, पीछे की साइड में टाइम देखना है तो क्लॉक लगी हुई है, वॉच सो वो भी है, मतलब यहाँ पर सभी फैसिलिटीज़ है, एयर कंडीशन से लेकर के बेड से लेकर के सब कुछ। अब आपको मैं इस रूम का एक और गजब जगह दिखाने वाला हूँ, तो आओ फटाफट से आपका सरप्राइज ख़त्म करते हैं। ये देखो भाई साहब, ये है बाथरूम, ये देखो जकूजी लगा हुआ है मस्त, इंजॉय करो इसके अंदर। अब ये आपने देख लिया, ये स्विमिंग पूल नहीं है बॉस, रियल स्विमिंग पूल आपको दिखाते हैं कहाँ है, उससे पहले एक और रूम दिखाते हैं। आओ या पूल, डायरेक्ट पूल देखोगे नहीं, पहले रूम देखेंगे फिर पूल देखेंगे। सो आ जाओ, देखो वापस से हम हॉल के अंदर आ गए और सेकंड रूम की तरफ बढ़ रहे हैं बॉस। ये सेकंड रूम है, इसमें भी एयर कंडीशन लगा हुआ है, देख सकते हो ऊपर की तरफ में, मस्त रूम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रूम है। अगर आप कपल्स हो या फैमिली हो, मतलब आउटिंग के लिए आना चाह रहे हो, तो आप लोगों के लिए बेस्ट प्लेस है। और यहाँ पर आप आ रहे हो तो इसकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दिए मैंने, जयपुर से अगर आप किसी भी रेडियस में, मतलब अगर रेडियस की बात करूँ इसके चारों तरफ के, तो अराउंड 20-25 किलोमीटर पड़ेगा, आप किसी भी कोने से आ रहे हो जयपुर के ये लोकेशन, और आपको मज़ा आ जाएगा यहाँ पर आकर के। मैं इसीलिए आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूँ एक वीडियो में, और इसी बात के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो इसी वक्त। और ये चेयर वेयर हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पर ऊपर देखो, ऊपर भी रूम्स हैं बट वो अभी आप लोगों के लिए ओपन नहीं किए गए हैं, जल्दी ओपन कर देंगे यहाँ पर। अब आपको लेकर के चलते हैं उस जगह पर जहाँ का आपको सबसे बेसब्री से इंतज़ार है, अब आपको दिखाएंगे हम पूल, तो आओ फटाफट से। सो गाइस आ गए हैं पूल एरिया के अंदर, भाई साहब जो आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था पूल तो दिखा दो जहाँ पर हम इन्जॉय करेंगे। तो ये देख लो भाई साहब पूल, ये पूल एरिया है। और इसकी डेप्थ की अगर मैं बात करूँ तो इसकी डेप्थ अराउंड 4 फिट के आसपास है, 3.5 से 4 फिट का होगा ये। और आप देख सकते हो कि अगर आप 7-8 लोग भी आ रहे हो ना, तो ये बेसिकली आपकी वो ज़रूरत पूरी कर देगा नहाने की, जो आपको चाहिए, मस्ती करनी है, पानी उछालना है, सारी चीज़ें की फैसिलिटीज़ कर देगा। और इसके लिए गर्मियों में ये होता है कि ह्यूमिडिटी से लोग परेशान हो जाते हैं पानी में आने के बाद में। तो भाई साहब पीछे कूलर भी रखा हुआ है, आपको दिखाते हैं, ये देखो ये रखा कूलर भाई साहब, तो आप चाहें तो कूलर भी ऑन कर सकते हैं,
और ये आपके फूड वगैरह के लिए, अगर आप ये आउटडोर में अपने बारबेक्यू करना चाहते हो तो ये बारबेक्यू के लिए आपको कोई सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी। सो ये एक छोटा सा वीडियो है और यहाँ पर शावर के लिए आपको शावर दिया हुआ है कि आप शावर भी यहीं पर ले सकते हो। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था आप लोगों के लिए, प्रमोशन भी हो रहा है इसमें और आप लोगों के लिए एक न्यू प्रॉपर्टी भी हमने सर्च कर लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, उससे पहले मैं जानता हूँ कि आपके मन में है कि भाई साहब प्राइस क्या है इस जगह की, हमें प्राइस तो बता दो। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ये पूरा विला बुक करते हो तो आपका जो है 6,000 रुपीज़ में ये पूरा विला आपका हो जाएगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे बुक करना है, वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, सीधे जाओ वहाँ पर और सीधे बुक करो बिना किसी टेंशन के, सीधे उन्हें बताओ टाइमिंग और वो आगे की इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। मेरा काम था आपको ये न्यू प्रॉपर्टी दिखाना जयपुर की जनता के लिए, इस तरीके से मैं और जयपुर वाले ही नहीं, मतलब जयपुर के आसपास से या बाहर से भी कोई देख रहा है और यहाँ आना चाह रहे हैं, चाहे आपकी बैचलर्स पार्टी हो, फैमिली पार्टी हो, कुछ भी हो, उसके लिए आप यहाँ आ सकते हो। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय गाइस।